मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही नेताओं के द्वारा अब राजनीति शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा से 2018 में बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले एडवोकेट मृगन सिंह सेंगर के द्वारा आज भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथों सदस्यता ले ली गई है। आपको बता दें कि मृगेंद्र सिंह के द्वारा रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा अंतर्गत गौरी मर्यादपुर गांव में एक भव्य श्री राम कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा एवं कांग्रेस के कई बड़े नेता आएंगे। इसी सिलसिले में यह माना जा रहा था कि मऊगंज विधानसभा से भाजपा का जो टिकट है वह एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर को मिल सकता है, लेकिन आज मऊगंज विधानसभा से 2018 में बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथों भाजपा की सदस्यता ले ली गई है। एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के जो सहयोगी थे उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है और यह माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर को भाजपा से टिकट मिल सकती है। आपको बता दें कि जब संपर्क खबर की शुरुआत हुई थी उस समय पर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर से खास बातचीत की गई थी। इस दौरान एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा यह बोला गया था कि वह इस बार भी मऊगंज विधानसभा से विधायकी का चुनाव जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी से आएंगे यह तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर। और आज एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर यह क्लियर कर दिया गया है कि वह किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। टिकट मिलता है या फिर नहीं मिलता है यह तो देखने वाली ही बात होगी, लेकिन आज एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के द्वारा सदस्यता ले ली गई है। मृगेंद्र सिंह सेंगर भाजपा से प्रबल दावेदार भी माने जा सकते हैं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि 2018 में जब एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर चुनाव लड़े थे उस समय पर वह बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और 28,000 मत पाकर तीसरे नंबर पर थे, जिस कारण से यह उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा से टिकट दावेदारों में से एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर प्रबल दावेदार हो सकते हैं। वहीं एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं तब से एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर के जो सहयोगी थे इन लोगों के द्वारा भी अब बधाइयां देना शुरू कर दी गई हैं और यह माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मऊगंज विधानसभा से एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन अभी भाजपा के द्वारा यह क्लियर नहीं किया गया है कि एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर को टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर को टिकट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।